हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? हम लोग यहाँ बहुत अच्छे हैं और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। तो आज सुबह हम लोग निकले हैं नाश्ता करने के लिए और चलो एक स्ट्रीट देखते हैं। बहुत बड़ी स्ट्रीट नहीं है, छोटी सी स्ट्रीट है। तो हम वो स्ट्रीट देखते हैं कि वहाँ स्ट्रीट में क्या माहौल है और कैसे, मतलब सुबह का नज़ारा है, सुबह सुबह क्या चल रहा है। होटल्स की दुकानें हैं या कपड़ों की दुकानें हैं, किराना की दुकान है, बहुत सारी छोटी मोटी दुकानें हैं, तो वो हम लोग आज देखते हैं। और है किराना का स्टोर तो है, पर यहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा सामान नहीं मिलता है। दूध के डब्बे हैं, अंडे हैं, बिस्किट्स हैं और कुछ इस तरीके का। ये एक ऐसे ही सामान है जहाँ पुराने फ्रिज वगैरह रखे हुए हैं। ये एक शॉप है जहाँ पे मतलब नूडल्स वगैरह मिल रहे हैं, सुबह सुबह ब्रेकफास्ट मिल रहा है, सोया मिल्क मिल रहा है। तो इस तरह की शॉप्स खुली हुई हैं। ये एक स्ट्रीट अंदर की तरफ जा रही है, उसमें हम नहीं जाएंगे, हम लोग सीधे जाएंगे। तो ये स्ट्रीट व्यू है। पेड़ हैं, देखो कैसे हरे हरे बड़े बड़े पेड़ हैं, सड़क के दोनों तरफ पेड़ हैं। और बारिश हो रही है आज, तो धूप थोड़ी कम है, रोशनी कम है और पेड़ भी हैं ढेर सारे, तो रोशनी और कम नज़र आ रही है। ये एक और नूडल की शॉप है, ये मोबाइल की शॉप है, चाइना मोबाइल। यहाँ से बैलेंस वगैरह करवाना हो तो बैलेंस करवा सकते हैं। फिर एक और शॉप आ गई, अलग तरह का नाश्ता है ये भी। तो ये स्ट्रीट व्यू है, एक और नाश्ते की शॉप आई है। ये एक और नाश्ते की शॉप है, देखो टेबल कुर्सी कितनी सुंदर है इसके अंदर। ये हरे वाले प्याज रखे हुए हैं, चाइनीज़ डिशेस में हरे वाले प्याज बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो ये सुबह सुबह बारिश हो रही है, सब लोग जनरली कार में ट्रेवल कर रहे हैं, कार में ज़्यादा लोग रहते हैं। चाइना में लोग कार बहुत ज़्यादा खरीदते हैं, ऑलमोस्ट हर कोई ट्राई करता है कार खरीदने का। तो अभी सुबह सुबह तो सब्जी की दुकानें, ये देखो कितनी सुंदर हरी हरी सब्जियां हैं, अलग अलग तरह की सब्जियां हैं, पत्ता गोभी वगैरह। ये गन्ने रखे हुए हैं ढेर सारे और ये गन्ने की छोटी सी मशीन है गन्ना काटने की। अगर आई को बोलेंगे हमको गन्ना खरीदना है तो वो फटाफट छील के काट के दे देगी 2 मिनट में। और ये फ्रूट्स, ढेर सारे फ्रूट्स, स्ट्रॉबेरी, ऑरेंज। यहाँ की एक ख़ास बात है, ऑरेंज भी 10-12 तरह के मिलते हैं, बड़ा ऑरेंज छोटा सब मिलता है। बारिश की वजह से ठंड और ज़्यादा बढ़ गई है, क्यों डॉक्टर साहब? बिल्कुल, बारिश है, ठंड है और ज़्यादा मज़ा है। गरम गरम ब्रेकफास्ट खाओ, गरम गरम सोयाबीन मिल्क पियो और ऑफिस जाओ। वैसे हमारे ऑफिस में भी कैंटीन है, पर अभी थोड़ा छुट्टियों का माहौल है, चाइनीज न्यू ईयर भी है। 21 जनवरी को चाइनीज न्यू ईयर आ रहा है, तो उसकी भी हॉलीडेज है, तो थोड़ा सा बाहर एक्सप्लोर कर लेते हैं, नहीं तो टाइम ही नहीं मिलता है बाहर निकलने का। यही स्ट्रीट है फ्रेंड्स जिसके ऊपर हम घूम रहे हैं, वॉक कर रहे हैं। रेनी डे है, ये एक मार्केट है, हुईथोंग छाउशी। चाइनीज में सुपरमार्केट को छाउशी कहते हैं, हुईथोंग छाउशी। डेली नीड्स का ऑलमोस्ट सारा सामान यहाँ पे मिल जाता है, सब कुछ मिलता है। यह
यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग बात मैं बताती हूँ, ये बाइक जनरली सारी बाइक के ऊपर ये इस तरह की छतरी लगी रहती है, तो मतलब एकदम से गीले नहीं होते, मज़ा आता है, और ठंड में भी एकदम से ठंड हमारे आँख में या कान में नहीं जाती है। ये एक और बाइक है, ज़्यादातर बाइक में छतरी लगी रहती है, हमारी जो बाइक है उसमें भी छतरी लगी हुई है, ऐसा लगता है जैसे किसी ऑटो में घूम रहे हैं। ये है दुकानें, सुंदर छोटी सुंदर सुंदर दुकानें, कुछ दुकानें बड़ी भी हैं, तो इस तरीके से सुंदर छोटी दुकान में ब्रेकफास्ट करो, रियल लोकल ब्रेकफास्ट का हमको पता चलता है। तो फ्रेंड्स, हमारी नाश्ते की शॉप आ गई है, अब हम यहाँ पे नाश्ता करेंगे गरम गरम। सारा नाश्ता यहाँ भाप में बनता है, और ऐसे हर दुकान पे भाप ऐसे निकलते हैं, स्ट्रीट फूड बोल सकते हैं, या चाइना में जो ब्रेकफास्ट में बहुत ज़्यादा खाया जाता है, तो वो है ये बाउज। ये पोरेज है, इसमें राइस है और वेजिटेबल से कई चीज़ों का पोरेज बनता है, पर आज मैंने राइस और वेजिटेबल का पोरेज लिया। हमारा ब्रेकफास्ट फिनिश हो गया है और अब हम लोग घर जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, बाय बाय, आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए खुश रहिए और अपना खूब ध्यान रखिएगा, बाय बाय।